ट्वेंटी के लोग होने वाले एटीन एट एटीन के लोग आ चुके हैं लेट ट्वेंटी के पीपल ज्वाइन कितने लोग को हम लोग समझाएँगे रात भर सब वही होता है ना भाई इंसान इंसान है अब तो हाँ गैस तो कल एक इंसिडेंट हुआ था स्क्रीम्स में हम लोग स्क्रीम्स खेल रहे थे पहले से तो क्वेश्चन बता रहा हूँ कि मैं आप लोग ने भी चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं अपने से फुल एफर्ट डाल रहा हूँ लाइक मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की आई मेरी गलतियाँ थी मैं आई वॉज नॉट परफेक्ट अभी परफेक्ट नहीं हुआ अभी लाइक नॉट इवन न्यू टू परफेक्ट तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने चेंजेस लाने की शक वन पॉइंट फाइव ईयस हो चुका है जिसमें हम लोग ने हर चीज़ बैन गेम जब बैन हुआ था आई गेस आफ्टर वर्ल्ड लीग हम लोग ने पूरा अपना को लाइक कंप्लीटली चेंज किया कि हर चीज़ अवॉइड करे बहुत लोगों ने उस टाइम पे प्रमोट मतलब किया था कि इसको पोक करो उसको पोक करो बहुत मतलब बहुत चीज़ें हुई थी इन पास्ट हमने कुछ बोला नहीं था उस टाइम पे भी तो मतलब ये था कि यार कि क्यों करना है भा इस चीज़ से अलग रहते हैं नेगेटिविटी से अलग रहते हैं कल यस कल मैं अपना कंट्रोल लूज़ किया दैट्स माय फॉल्ट कम्प्लीटली माय फॉल्ट आई एग्री ऑन दैट कि हाँ यार मेरे को 1.5 पॉइंट फाइव मैंने ट्राई किया कंट्रोल करने के लिए बट अब जाके अगर मैं उसको लूज़ कर रहा हूँ दैट्स माई फॉल्ट बट यार कल जो चीज़ हुआ ना उसके लिए मैं दिल से आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ यार कि मेरे चक्कर में आप लोगों का जो एंटरटेनमेंट वैल्यू था आप लोगों को जो देखने के लिए आप आते हो उनको बहुत खराब लगा आई नो इट कि आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ प्लस बहुत लग हर्ट भी हुआ कि यार स्काउट तो इतना चेंज होने के बाद वायर लूजिंग इट ना हो आई कम्प्लीट आई डिसअपॉइंटेड लॉट्स ऑफ पीपल ऑल्सो फ्रॉम माई फैमिली जिन्होंने मुझे पूरा बैकअप करके रखा था और सोल फैन स्पेशल यार कि आप लोग ने मेरे को अपने मेरे जो डाउनफॉल में जो सपोर्ट दिया कि मैंने इतना मैसअप किया उसके बाद आपने सपोर्ट किया और अब जाके आप लोग मे से एक्सपेक्ट करते हो कि यार स्काउट बदल गया है फिर ये चीज़ होता है ना बहुत ख़राब लगता है मेरे को मेरे को खुद को भी खराब लगा यार कि आप लोग का डिसअपॉइंटमेंट मुझे मैं आपसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मेरे से और कल जो सीन था ना आपको मैं कल एक बस छोटे वे में समझा रहा था कल क्या सीन था कल हम लोग लाइक स्क्रीम थ्री थर्टी से खेल रहे थे एवरीथिंग थिंग बस फन चल चल रहा था कोई अभी हाँ एक चीज़ बस कल मैंने किसी इंडिविजुअल का टारगेट करके कुछ नहीं बोला नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल इन जनरल एक रेज मोमेंट आता है कि लाइक पाँच छः गेम के बाद में एक रेज मोमेंट में बोल दिया था वो चीज़ नॉट इवन वंस कि पूरे पाँच छः गेम में मैंने बिहार गेम का मैंने कुछ नहीं बोला अगर आप लोग मेरी स्ट्रीम देखे लास्ट टाइम तो मैंने एक वर्ड भी ऐसा किसी इंडिविजुअल को लेके नहीं बोला था बट फल well, फिर क्या हुआ कल एंड में एक मैटर ऑफ केओ में कि आप अगर आपको तो पता है कॉम्पिटिव सीने के बाद में कि टीम्स रोटेट करती है देट वॉज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन आई टी के तरफ से टी एस एम गॉड लाइक सब थे उधर तो फाइट हो गया बस में रेज में मैंने बस चिल्ला दिया उसमें और मैंने बोल दिया आई कम्प्लीटेट मेरे को वो चीज़ कंट्रोल करना चाहिए मुझे गुस्सा होना होता है एक चीज़ और किसी को बोलना वो खराब होता है तो आई एम मतलब वैम्पायर का जो मैंने बोला मैंने वैम्पायर का नाम मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं वैम्पायर को पर्सनली जानता हूँ तो मेरे को कुछ गलत लगा लग यार मैं अपने दोस्त को ऐसा भर दिया वो दैट्स दैट्स कम्पलीट रॉन्ग यार मैं सिर्फ वैम्पायर को बोला था कि यार क्या है प्रोनो के मार देता उसके बाद जो चीज़ें हुई ना नो कम्प्लीटली मिस गाइड हुई आप लोगों को बोला गया कि स्ट्रीम स्नाइप एंड ऑल ब्रो बस वो एक रेज मोमेंट मैंने गलती से बोल दिया था वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी यार और मैं जो तरीके से एक्सप्रेस किया ना वो बहुत गलत मेरे जो वर्ड्स थे कम्प्लीटली रॉन्ग थे यार बहुत मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उस चीज़ के लिए और कुछ आर्टिकल्स है गाइस मैं क्या बताऊँ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बहुत सारे आर्टिकल्स है जो ये करते हैं ना कि न्यूज़ एक चीज़ है इन्फो एक चीज़ है और उसका आप मिसगाइड करके क्या बोलो भाई मतलब पूरी स्ट्रीम में किसी मतलब बंद उधर लिटरली उस आर्टिकल में बंद जो आर्टिकल लिखा आई डोंट नो कौन आर्टिकल लिख रहा है बट वो आर्टिकल मुझे पता है वो आर्टिकल में बंदे ने ऐसा नाम लिया है ही इज अक्यूजिंग दिस गाय बेसिकली अक्यूजिंग जॉनी ऑन स्ट्रीम्स मतलब भाई आप पहले वीडियो देख लो फिर उसका बनाओ ना यार अब हवा में तीर मार लेते हो मुझे बिल्कुल समझ आता क्यों आप ठीक है आप ऐसा बोलते ना कि स्काउट अब्यूज एकदम सही है स्काउट रेस एकदम सही है वैम्पार को कह दिए. हाँ मैंने दी थी उस टाइम पे. वो भी सही है बट आप भाई दूसरे के नाम पर दो अलग अलग ब... मतलब बोलते हैं दो इलाइट टीम्स के बीच के फैन बेस को आप फाइट करवा रहे हैं क्यों क्योंकि बस आपने एक स्टेटमेंट डाल दिया स्काउट ने इसको स्ट्रीम्स में आपके लिए अक्यूज़ किया मेरे भाई कभी अक्यूज़ नहीं किया है आप वीडियो देखो और प्लीज़ अगर आप न्यूज़ न्यूज़ चैनल हो आपसे लोग एक्सपेक्ट करते कि आप सही न्यूज़ पहुँचाओ ना कि आप गलत वे में गलत चीज़ को पोर्ट्रे करके घुमा फिरा के आप न्यूज़ यार आप सीधे सीधा बोल रहे जो हुआ है आपको यार मैं क्या बोलूँ अब मैं इसका कुछ वर्ड्स में मेरे पास है नहीं यार बाकी जनता आप लोग के सामने ही चीज़ें आपके सामने भी क्लिप है आपके सामने हर चीज़ है अब मैं क्या बोलूँ ये चीज़ का बस यही चीज़ आपको मेरे को इन्फॉर्म करना था यार और रही बात दूसरी ना कि यार बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ऐसा बोला है नो टू टॉक्सिसिटी पहले बोलो दिस एंड देट बस मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई पिछले वन पॉइंट फाइव ईयर में ना मेरे भाई मैंने हर चीज़ इग्नोर किया है मैंने अपना को कंप्लीटली चेंज करने का ट्राई किया और बहुत मैं आई डोंट वोट नो नेम द क्रिएटर भाई बहुत सारे ऐसे पेजेस थे ना गैस इंस्टा पे जिसको प्रमोट किया गया हेट फैलाने के लिए सिर्फ डेडिकेटेड आप सोच सकते हो कि इतना नीचे भाई मैं नहीं गिर सकता कि मैं आप उतना नीचे गिर के किसी के लेवल पर बात करूं आपसे और बोलूं आपको कि भाई इस बंदे ने भाई वो, वो दैट्स डिस्गस्टिंग आप खुद सोचिए आप किसी को ऐसा बोल रहे भाई मैं तुको तो शॉर्ट आउट दिलवा दूंगा आप हेट प्रमोट बस दैट्स कम्प्लीटली डिसगस्टिंग आई डोंट नेम दैट पर्सन बस यही यार कि इतना नीचे भाई मैं मे, मे, मेरी एक औरत है वो रहता है एक नियत रहती है भाई उसके नीचे मैं नहीं गिर सकता भाई इतना नीचे मैं नहीं गिर सकता आई एम सॉरी फॉर देट कि आपको अगर किससे पंगे हो तो आप इतने नीचे गिर जाओगे आई हैव आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस सेकंड चीज मेरे एंड से आई एम रियली सॉरी फॉर वॉट हैपन योडे दिस वॉन्ट बी रिपीटेड बिकॉज आई हैव कंट्रोल माई सेल्फ फॉर मोर देन अयर आई विल कीप ऑन डूइंग दिस आई विल कीप बींग सेम गाय जो एक साल तक मैंने मैनेज किया अपने आप को कि टॉक्सिक नहीं होना इन गेम गेमरेज होता है बट इस लेवल पे नहीं होगा ये मेरे तरफ से वर्ड्स है स्काउट फैमिली पूरी और कंप्लीटली एसोडियल फैम के लिए और सोल फैंस के लिए कि ये चाहिए आप जो मेरे से एक्सपेक्ट करते हो इसे आप एक्सपेक्ट करो और मैं इस पर आपके वर्ड्स पर रहूँगा और स्क्रीम्स की बात करते हैं तो गायस चीज ऐसी है कि स्क्रीम्स होगी स्ट्रीम लोगों ओनली पे, पे बट वहाँ पे आपके लिए आपके सामने ऑडियोस एंड ऑल नहीं रहेंगे बस बेसिक गेम का साउंड रहेगा आप गेम प्ले देखना चाहते हो वो आपको देखने बट आपको कॉल आउट्स ना और कुछ नहीं देखूँगी यार देखो ये गेम है एक स्पोर्ट में एडलिन रश में आदमी गाली निकाल निकल जाता मुझसे और मैं ये नहीं चाहता कि गलत जो वापस कोई पुट्टर हो जाए सो यस आई आई कम्प्लीटली वॉन्ट टू अवॉइड दैट कि इस टाइप की नेगेटिविटी फेले और एक और जाना चाहिए इसकी कम्युनिटी कम्युनिटी स्काउट के अगेंस्ट है दिस एंड दैट मेरे भाइयों एक बार जाकर देखो कम्युनिटी में कितने बंदे क्या बोलते हैं आप ऐसे लोगों के पास मत जाओ जो आपको एक दो बंदे बोल रहे यार कितने सारे अंडर डॉग्स हैं जिनको मैंने अपने दिल से मतलब बोलते ना एकदम करीब रख के लाया जैसे कि अभी को एक दो प्लेयर्स है यार जो एस टी एस इन चैन हो गया निंजा हो गया इन लोग कितने मतलब छोटे बच्चे यार अंडरड पे खेलते हैं बहुत प्यारा गेम है यार इनको जो टैलेंट है उनको हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि हम लोग अंडर डॉग से नहीं करते यार अच्छा लगता है कि यार इतने सारे बच्चे इतना मेहनत करके इतना ग्रैंड करके इतने लेवल पर जा रहे हैं बट फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि यार कम्युनिटी के नाम पर फिर हम लोग को टारगेट करके फिर बोल मेरे को पर्सनली बोलते हैं कि यार तुम कुछ नहीं करो तुमने ये किया तुमने वो किया भाई बस कम्प्लीटली रॉन्ग है यार और गैस मैंने मैं क्या बताया यार कि मैं पता है मैं ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी में बहुत सारे गलत चॉइसज थे बट आई हैव कम्प्लीटली चेंज फ्रॉम देट टाइम यार मैंने ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी से कंप्लीटली चेंज किया है और आर्टिकल में गैस ऐसा भी है कि एंड में अभी आप आर्टिकल एक साल बाद डाल रहे हो आज तक आपने आर्टिकल नहीं डाला जो एक साल में हमने पॉजिटिविटी स्प्रेड करी एक साल में जब बाकी लोग कुछ कर रहे थे हम लोग उसको उनको उनको भी ढक के कर रहे थे नहीं अपनी गेमिंग कम्युनिटी अपने साथ में नेगेटिविटी अवॉइड करना तब आप आर्टिकल नहीं डाला कब अपना आर्टिकल डाला जब कुछ हम लोग की तरफ से गलती होती है तो आप एक साल कहाँ थे मुझे एक बात बताओ आप एक साल जब हम लोग अच्छी चीज़ें कर रहे हैं आप कहाँ थे और आर्टिकल आप एंड किस तरीके से कर रहे हो क्या आप ट्वेंटी मतलब लोग आर्टिकल के एंड बता कैसे लिख रहे हैं दिस हैज़ नॉट बिन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम स्काउट डन और क्या था, था उस आर्टिकल में कुछ एक अलग सा लिखा होता है और मैं, मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ आपके सामने दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम स्काउट हैड है टॉक्सिक आउटबर्स्ट और सीधा यू मामबा के प्लेयर ब्रू आपको पता है uh, बिश्मा के अगेंस्ट वाला सीनारियो उसने कोट कर दिया है अभी का आर्टिकल में मैं मेरे भाई एक साल हमने ना साथ में इकट्ठे इस बैन पीरियड में आगे बढ़े सबको लेके के आप, आपने क्या किया अपने एक साल पुराना एक साल पुराना चीज़ जो कुछ लिंक भी नहीं होता है जस्ट फॉर कपल ऑफ व्यूज़ द डिफेमिंग सम वन जस्ट फॉर समथिंग विच इज़ नॉट राइट वैसे सबने गलती सब लाइफ में गलती करते, करते हैं मैटर करते आप सुधरते हो कि नहीं से आप गलती सीखते हो कि नहीं बस यही बोलना चाहते सारे आर्टिकल या न्यूज़ चैनल्स को मैं देखो मैं चाहता तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर स्ट्राइक मारता ना बट नो पॉइंट गलती है है गलती बट गलत न्यूज़ मत फैलाओ मैंने ना किसी स्ट्रीमर का नाम लिया ना किसी चीजों को ये बोला या फिर ना किसी प्लेयर को पर्टिकुलर बोला मैं जनरल बोला कि यार क्या हो रहा है ये चीज much? डज escalated, स्माल थिंग्स गेट एक्सकेलेटेड सो मच ऑडियंस every मेजरली We ऑफ द move एग्जिस्ट इन एवरी स्पॉट वी ऑल शुड time भाई is दिस नॉट द ऑडियंस दिस टाइम are आर द पीपल हु आर नोन इन द They दे एक्सकेलेटेड दिस थिंग्स फ्रॉम end इट वॉज कम्प्लीटली डन बट पीपल स्टार्टेड टेरिंग दैट हम वीडियो बनाएंगे कॉल्स पे दिस अंदर दिस कम्प्लीटली राइट मेरे भाई ये जो बोल रहे हैं ना इनके लिए ये कम्पलीटली राइट है बट ये चीज़ है ना एक्सकेलेट तभी होती है जब इनको गलत चीज़ सही लगने लगती है अब एक्सकेलेटेड तभी होती है अभी छोटी चीज़ को आप एक्सकेलेट करके वीडियो बना के दिस अंदर आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट हम और टॉक अबाउट द पर्टिकुलर गाय बस यही है कि मेरी तरफ से एक्सप्लेन था आई एम सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग ऑल माई फैंस

तो बस यही सही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा आप आप लोग भी सही चीज़ को फॉलो करो मेरे तरफ से जो एक्सप्लेनेशन था मैंने दे दिया और जितने लोग बाकी है जो बोलते हैं कि टॉक्सिक एंड ऑल मेरे भाई लोग एक साल से हमने टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं की है हमने हर चीज़ को इग्नोर किया है पिछले बार भी गालियाँ मुझे ही पड़ी थी बिना किसी और क्रिएटर ने अगर मैं चाहता मैं भी उस चीज़ को स्टोरी पर डालता और मेरे भाई उस स्टोरी से तब आर्टिकल नहीं छपती छप आर्टिकल नहीं छपती क्यों क्योंकि किसी किसी छोटे क्रिएटर ने गाली दिया किसी को जब कोई भी एक मेजर क्रिएटर गाली देता है जो नोने कम्युनिटी में तब आर्टिकल छप जाती है इंस्टेंट मेरे भाई लोग मैं भी कर सकता हूँ जब मेरे को भी कमेंट्स आते हैं so बस यही चीज़ है और या आई हैव नो पर्सनल ग्रेजेस अगेंस्ट एनी इन द कम्युनिटी मैंने वो चीज पिछसे सारी छोड़ के आगे बढ़ चुका हूँ मैं वर्ल्ड लिख के बाद तो मेरे को किसी प्लेयर के अगेंस्ट कुछ पर्सनल ग्रेजेस नहीं है जिसको रखना रखिए मैं आगे बढ़ूँगा पॉजिटिविटी में रहूँगा एंड यस yes, जस्ट बी केयरफुल कि आप क्या आर्टिकल पढ़ते हो कम्प्लीटली आप एक नॉलेज ले लो अभी इस हाँ यार थोड़ा सा देखो चीज़ें क्या चल रही है बस ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत करो बस मैं यही बोलना चाहूँगा आई एम सॉरी बहुत लोग मेरे सुपर में आई एम मिसड इट दिस लाइफ स्टेट वॉज जस्ट फॉर यू नो फॉर पीपल जो हु आर मिस guided I'm a soul fan, You have realized that's enough, dude. But you want to thank you a thousand bro. That bro. Th I I feel disappointed a bit because not a bit, of, like more than you guys. You guys count on me. You guys expected me to be a much better version of what I was before you. And I did that in the ban period. I proved myself. I don't want to go back to that scout. I want to be a better version of myself. I want to be that positive guy who would make you guys laugh. Who would give you that adrenaline rush in the competitive scenarios. एंड लर्न अलग्स आई एम नॉट कॉलिंग एनवान किसी और क्रिएटर को बोलना नहीं चाहता मैं कुछ नहीं बोलना चाहता बस यही है चिले हर चीज फॉर रॉन्ग आर पांडे मेरे भाई uh, You can completely leave. I know, I disappointed you. I accept that. ठीक है, अगर आपको नहीं चांस देना ये आपका डिशन है। But yes, I'm sorry if I disappointed you man. I'm really sorry for that.